साथियों सलाम आदाब नमस्कार जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण में निशुल्क सर्टिफिकेट वितरण का कार्य 19 और 20 तारीख को आगरा मंडल और लखनऊ मंडल में हो चुका है। द्वितीय चरण में हम लोग सर्टिफिकेट वितरण का कार्य आज प्रतापगढ़ में कर रहे हैं। तो साथियों मैं दिखा देना चाहता हूँ प्रतापगढ़ में किस प्रकार सर्टिफिकेट वितरण का कार्य चालू है। जनता आ चुकी है, मैं आपको एक वन बाई वन करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पर सर्टिफिकेट बनने का कार्य जारी है और ये सलीम भारती जी हैं। ये देखिए सर्टिफिकेट बन रहे हैं। हर व्यक्ति का आधार कार्ड देख कर ही हम सर्टिफिकेट बना रहे हैं। सरकार जो आरोप लगा रही है कि आप लोग फर्जी हैं या फिर आप लोग जो बना रहे हैं सर्टिफिकेट वो गलत तरीके से बना रहे हैं, तो आप देख लीजिए। आप लोग अपना आधार कार्ड लाए हैं ना, दिखाइए अपना आधार कार्ड दिखाइए। ये देखिए आधार कार्ड सब लोग ओरिजिनल ला के अपना दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उनका वेरीफाई होने के बाद ही सर्टिफिकेट इस प्रकार यहाँ बन रहा है। और बाकी लोग ये टोकन नंबर लेकर अपना आ चुके हैं। कुछ हमारी माताएं बहनें भी आई हुई हैं। कहाँ से आई हुई है मैम, क्या समस्या है आपकी? हमारा कर्जा है और इस समय लॉकडाउन में काम वाम भी सारा बंद हो गया था, घर का भी कर्जा है, बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे सर, खाने पीने की भी दिक्कत। तो कर्जा क्यों हो गया आपके ऊपर सर? काम धंधा सब बंद हो गया लॉकडाउन में। लॉकडाउन की वजह से कर्जा हो गया? लॉकडाउन किसने लगाया था, आपने लगाया था? सर हमने तो नहीं लगाया, क्यों लगाएंगे सर, अपने पैर पे खुद तो ला रही है। किसने लगाया था लॉकडाउन? सरकार ने लगाया। तो सरकार उसकी भरपाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कितना कर्जा है आपके ऊपर? सर हमारे ऊपर 40 लाख का। 40 लाख का। आपको पता है आज के दिन, आज साथियों 1 तारीख है और आज 1 तारीख के दिन यस बैंक ने, जी हाँ यस बैंक ने 5000 करोड़ रुपए सुभाष चंद्रा जी के माफ कर दिए। 6500 करोड़ रुपए का लोन था उनका, 1500 करोड़ रुपए में सेटलमेंट कर लिया गया। और ये 5-5 लाख 10-10 लाख वाले लोग, इनको इतना प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ आगे कि बाहर किस प्रकार लोग टोकन ले रहे हैं अपना। आप सभी साथियों को लोकसभा में ही सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, तो परेशान ना हो, चिंतित ना हो। ये एक लाइन लगी हुई है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना फॉर्म भर दिया था, ठीक है। तो उनका टोकन नंबर यहाँ वितरण किया जा रहा है, यहाँ भी आधार कार्ड चेक हो रहा है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, आधार कार्ड चेक हो रहा है सबका। कोई पैसे तो नहीं पड़ रहे किसी से? अगर किसी ने कोई पैसे मांगे हो तो निशुल्क वितरण कार्य चालू है। मैं बात कराता हूँ एक एक। ये देखिए कुछ हैंडीकैप भाई साहब आए हुए, क्या नाम है भैया आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी कहाँ से आए हुए हैं? रायबरेली से जी। अच्छा अच्छा, क्या समस्या है आपकी बताएं। सर के पेज से आप लोग लाइव हैं, श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के पेज से लाइव हैं आप सब लोग। सौभाग्य की बात है 1.7 मिलियन सर के फॉलोवर्स हैं, मतलब आप कितने ज्यादा लोगों में देखे जा रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है। तो आपकी जो भी समस्या हो सरकार इसको सीधे सुन रही है, तो आपकी जो भी समस्या हो उसको बताइए। कर्जा माफी की जो डिमांड है आप अपने सामने यहीं से रख सकते हैं। क्या कितना कर्जा है आपके ऊपर? 5 लाख। क्या समस्या है, क्यों नहीं जमा कर पा रहे? समस्या जो सर जी, दुकान लिए थे, दुकान डैमेज हो गई। दुकान डैमेज हो गई कोरोना काल में? कोरोना काल में ही? यस। ओके, तो लॉकडाउन की वजह से आपका कर्जा हो गया जी। तो लॉकडाउन की वजह से कर्जा हो गया, तो उसकी भरपाई आपको करनी चाहिए कि सरकार को करनी चाहिए? हमको भी करना चाहिए, अगर जो चूंकि उनकी वजह से मेरी दुकान टूटी, 3-3, 4-4 महीने साल साल भर लॉकडाउन लगा दिया, तो मेरी दुकान चली नहीं, तो ऑटोमेटिक कर्जा हो। लॉकडाउन लगाने से पब्लिक की, जनता की कमर टूट गई। व्यापारी वर्ग, जो साधारण व्यापारी वर्ग था, वो सच में बहुत परेशान हो गया। तो उसमें जनता की कोई गलती नहीं है। आज आपको सूचना देना चाहता हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। यस बैंक ने सुभाष चंद्रा जी का आज ही के दिन 5000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। 5000 करोड़ रुपए, वो यहाँ पे जो 5000 करोड़ रुपए कर्जा लिया हो, है कोई? कितना कर्जा आपके ऊपर? 2,70,000 वाले यहाँ लाइन लगा के परेशान हो रहे हैं। 5000 करोड़ रुपए सुभाष चंद्रा जी का माफ कर दिया जाता है, तो क्या ये फैसिलिटी क्या आम जनता को नहीं दी जा सकती है? क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? कहाँ से आए रियासत अली? सोनसा बाजार से। यही प्रतापगढ़ में पड़ता है? क्या समस्या है? कर्जी माफी। कितना कर्जा है आपके ऊपर? 85,000 रुपए। देखिए 85,000 रुपए के लिए लोग यहाँ परेशान होकर लाइन लगाए हुए हैं। मैं सर के फेस से हम लोग लाइव हैं, तो मुझे लगता है कि इस समय सरकार भी देख रही होगी यहाँ पे, और बहुत सारे लोग भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो सरकार के लोगों से निवेदन है कि
जो ये जनता आई हुई है ये कर्जा माफ कराने के लिए आई हुई है, तो आप सुनिए, इस बात को समझिए कि जनता सच में बहुत परेशान है। और अगर जनता का कर्जा माफ नहीं किया गया, अगर जनता का कर्जा माफ नहीं किया गया तो जनता अपने लिए स्वयं ही खड़ी होगी और तैयार हो रही, जनता मानसिक रूप से तैयार हो गई रही है। आप सभी एक बार नारा लगाएंगे मेरे साथ, जनता का कर्जा मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे माफ करना पड़ेगा। हर सरकारी विभाग तक ये पहुंच जाना चाहिए, सत्ताधारी लोगों तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। जनता का कर्जा, आपसे ज्यादा तो हम बोल पा रहे हैं, माफ करना पड़ेगा बोलेंगे। जनता का कर्जा, जनता का कर्जा, जनता का कर्जा बिल्कुल माफ करना पड़ेगा। अगर 5,000 करोड़ रुपए, जी हाँ, आज ही के दिन 1 सितंबर 2023 को 5,000 करोड़ रुपए सुभाष चंद्र जी के माफ कर दिए जाते हैं, तो ये 50,000 रुपए वाले लोग, 5,000 रुपए वाले लोग, 5,00,000 रुपए वाले लोगों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया जा सकता है? मैं दिखा देना चाहता हूँ, कुछ साथी यहाँ से आए हुए हैं, बहुत सारी माताएं बहनें आई हुई हैं। आप लोग श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के पेज से लाइव हैं, उनके पेज से लाइव हैं, तो देश भर में बहुत ज्यादा संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है। आपकी जो भी समस्या है स्पष्ट रूप से रख सकते हैं, सरकारें भी इस पेज को सुनती हैं, जो सरकार रिलेटेड लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं, वो सब सुनते हैं। कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से आई हैं, कहाँ से आई हैं? संत कबीर नगर से आई हैं। क्या समस्या है? लोन है सर जी। कितना लोन है? एक लाख रुपए, दो दो लाख रुपए समस्या हो रही जमा करने में। क्या चाहती हैं सरकार से, क्या मांग करती हैं? चाहती हैं गरीब आदमी माफ हो जाए। 5,000 करोड़ रुपए सरकार माफ कर देती है सुभाष चंद्रा जी का, यहाँ पे एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका 5,000 करोड़ रुपए का चंदा हो। 500 करोड़ का भी नहीं होगा, 5 करोड़, 50 करोड़ का भी नहीं होगा, मुझे लग रहा है 5 करोड़ का भी चंदा नहीं हो, कर्जा नहीं हो किसी का। कोई 5 करोड़ वाला यहाँ पे? एक करोड़ वाला नहीं सर, 3 लाख 4 लाख वाले हैं। 50 लाख वाला है कोई? नहीं सर। 3-4 लाख वाले, 5 लाख वाले हैं सब? सब अंदर 5 लाख के ऊपर है कोई? तो मैं सरकार के अधिकारियों को ये बता देना चाहता हूँ, देखिए कितना है, 6,30,000 में, 6 लाख 5 लाख और 1 लाख 2 लाख के लिए लोग यहाँ इतना परेशान है। इतनी दूर से संत कबीर नगर से प्रतापगढ़ में चलकर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का फॉर्म भराया जा रहा है ताकि उनका माफी का आवेदन, उनकी माफी की गुजारिश, रिक्वेस्ट सरकार तक पहुँचा दी जाए, सत्ताधारी दल तक पहुँचा दी जाए। और हम बार बार ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस जनता की, जिसने आपको चुना है, यही वो जनता है जिसने सरकार को चुना है, सत्ताधारी दल को चुना है, और आगे भी जो दल आएंगे उनको चुनती है। अगर इसको कोई कष्ट है, समस्या है, तो ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि सरकार उनकी सारी समस्याओं का समाधान करे। सरकार माई बाप होती है, सरकार ही सब कुछ होती है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, सरकारें 14 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर चुकी है साथियों। 14 लाख करोड़ रुपए बहुत होता है, जो पिछले उसमें वर्ष में माफ किया गया है। तो आप देखिए 50-50,000 रुपए के लिए लोग इतना परेशान हैं, और उनको बहुत गलत तरीके से परेशान किया जा रहा है, रिकवरी वाले बहुत उनको परेशान कर रहे हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं कुछ और लोगों से बात कराता हूँ। कहाँ से आए भैया? कहाँ रहे? सगनपुर पड़ता है, यही पड़ता है। क्या समस्या है आपकी? सर के पेज से लाइव है, सरकार को बताइए क्या समस्या है। समस्या ये है कि जो है फसल 2 साल से पिछले नुकसान हो गई है। अच्छा, जानवर से समस्या है, वो नहीं ले, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। कितना कर्जा ले रखा है? 63,000 लिया था, 94,000 सोचा है। 63,000 रुपए के लिए आप यहाँ परेशान हैं। क्या लगता है सरकार से माफ करना चाहते हैं कर्जा? माफ करेंगे तो सरकार का सहयोग करेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। जी जी। तो सरकार को बोलिए, आप सर के पेज से लाइव है, क्या चाहते हैं आप? कर्जा हम लोगों के माफ हो। और अगर सरकार कर्जा माफ करने से इनकार कर देती है कि नहीं सिर्फ अमीरों कर्जा माफ करेंगे, आपका नहीं करेंगे, तो आपका क्या निर्णय रहेगा, क्या करेंगे फिर? बस वही जो है आ रहा है। समझिए कि आपने सबसे अच्छी बात कही है, सत्ताधारी दल जो भी हो, अभी है या पूर्ववर्ती हो या नए आने वाले हो, वो सिर्फ वोट बैंक की भाषा समझते हैं। जनता समझ रही है, जनता समझदार है, वो कह रही है कि अगर आप हमारा कर्जा माफ करते हैं तो हम आपका हर तरीके से सहयोग करेंगे, और अगर आप हमारा कर्जा माफ नहीं करेंगे तो हम खुद संसद में अपना प्रतिनिधि भेजेंगे, या हम खुद संसद में जाएंगे और अपना कर्जा माफ करा लेंगे। जिस प्रकार आप बड़े लोगों का कर्जा माफ करते हैं, जिस प्रकार बड़े बड़े अमीर घरानों का कर्जा माफ कर दिया जाता है, उसी प्रकार इन छोटे लोगों का, इन गरीब लोगों का, इन परेशान लोगों का, मजबूर जनता का कर्जा माफ किया जाएगा। अगर सरकार करती है तो ठीक है, नहीं तो जनता खुद जाकर सरकार से कर्जा माफ करवाएगी। मैं बात करता था, क्या नाम है आपका? मोहम्मद
असलम साहब कहाँ से आए हुए हैं? जगदीशपुर अमेठी। अमेठी से आए हुए हैं, जगदीशपुर से। कितना कर्जा है? हमारा है करीब 10 लाख। 10 लाख रुपए। तो क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से चाहते हैं कि कर्जा हमारा माफ करे। बड़े लोगों का कर्जा जैसे माफ करती है, क्यों कर्जा क्यों हो गया आपके ऊपर? लॉकडाउन पीरियड में कारोबार सब खत्म हुआ। यहाँ मैंने जिन जिन लोगों से बात किया है, हर व्यक्ति यही बता रहा है कि लॉकडाउन के चक्कर में, नोटबंदी के चक्कर में या जीएसटी के चक्कर में, यही मुख्यतः तीन कारण है जिसके चक्कर में लोगों का बिजनेस बर्बाद हो गया, तबाह हो गया और लोग कर्जे की दलदल में फंस गए। तो वो तो आपने किया नहीं, लॉकडाउन आपने लगाया क्या? नोटबंदी आपने की, जीएसटी आपने लगाई नहीं किया ना? ये सब सरकार ने किया, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। ठीक है, क्या नाम है आपका? फाटक से आए हुए हैं। अच्छा, 5 लाख का लोन लिए थे, लोअर कारखाना डाले थे सर, उसके बाद लॉकडाउन लगा सर, पूरे व्यापार खत्म हो गया, मशीनें सब मेरी खराब हो गई सर, दूसरे के यहाँ व्यापार कर रहे हैं और बैंक वाले आ रहे हैं, बराबर नोटिस दे रहे हैं, धमकी आ रहे हैं कि आपको पुलिस दे दी जाएगा, पुलिस थाने दे दी जाएगा सर, और बहुत परेशान है सर। बस सरकार से चाहते हैं सर कर्जे माफ़ कर दें, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं शहनवाज सर को कि उन्होंने बहुत बड़ी वो अपील चलाई है सर, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद हैं जी। हम सभी शहनवाज सर के बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार सब लोग शहनवाज चौधरी भारती जिंदाबाद का नारा जरूर लगा दीजिए। आप लोग चाहते हैं कि शहनवाज चौधरी भारती जी ने ही सबको इस लाइन में लगवाया हुआ है, सबको बताया हुआ है कर्जा माफ करने की जिम्मेदारी ली हुई है? शाहनवाज चौधरी भारती, शाहनवाज चौधरी भारती, शाहनवाज चौधरी भारती। तो आप सभी एक बात स्पष्ट रूप से एक सरकार से कहेंगे, बैंक से कहेंगे, जिस प्रकार अमीरों का कर्जा माफ हो रहा है, उसी प्रकार गरीबों का भी कर्जा माफ। बहुत परेशान है सर, परेशान है। ये जो नोटिसें भेजी जा रही हैं गरीबों को, 4-4, 5-5 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए के लिए, 5-5 लाख रुपए के लिए परेशान किया जा रहा है सर, 6 लाख ब्याज करके पहुंचा दिए सर, पर डे नोटिस आ रही है सर, और दूसरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, बहुत परेशान है सर, घर में कमाने वाले अकेले हैं। तो मैं सर के पेज से बता देना चाहता हूँ कि जनता कितनी परेशान है, जिनका खुद का बिजनेस था वो दूसरों के यहाँ नौकरी करने को मोहताज है। आज की डेट में सारी मशीनें खराब हो गई हैं, और ये सिर्फ एक ही कारण से हुआ है, वो जो सरकार ने नोटबंदी की, जीएसटी लगाया और लॉकडाउन लगाया, ये सिर्फ उस कारण से हुआ हुआ है। तो आप कहाँ से आए हुए हैं भैया? प्रतापगढ़ जिले से। प्रतापगढ़, क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार यादव। अंजनी कुमार यादव जी, कितना कर्जा है? 5 लाख था, जिसमें से कुछ हम चुका चुके हैं, अभी कुछ बाकी है, 2.5 दिन के करीब बाकी है। अच्छा अच्छा, तो ब्याज भी लगा होगा उसमें? जी सर। तो क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग रखते हैं सर के पैसे लाए हुए? सर यही चाहते हैं कि हमारा कर्जा माफ हो। अच्छा, शाहनवाज चौधरी भारती जी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मतलब कार्यक्रम को, अभियान को चलाया, और हम लोग बहुत परेशान थे लॉकडाउन के पहले। हमारे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, हमारी दुकान में आग लग गई, उसके बाद लॉकडाउन आ गया, इसी वजह से हम लोग जो है कुछ कर नहीं पाए। निवेदन क्या करेंगे मोदी जी से? मोदी जी भी सुनते हैं। निवेदन यह है कि हम लोगों का कर्जा माफ हो, जैसे अमीरों का माफ करते हैं, बड़े उद्योगपतियों का माफ करते हैं। जी जी, ठीक है। आप ही लोग तो वोट देते हैं, किसे वोट देते हैं? आप ही लोग वोट देते हैं ना? हाँ, तो सरकार ये सुन ले, और अगर माफ नहीं करती सरकार कर्जा, तो क्या करेंगे? दूसरी सरकार लाएंगे, वो सरकार लाएंगे जो कर्जा माफ करेगी, जो कर्जा माफ करेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। जनता कह रही है कि अब हम, अगर ये सरकार या जो सरकार वादा करती है जनता का कर्जा माफ करने का, अगर वो सरकार हमारा कर्जा माफ करेगी तो हम उसका सहयोग करेंगे, और अगर कोई सरकार हमारा सहयोग नहीं करेगी तो हम ऐसी सरकार लेकर आएंगे जो जनता का कर्जा माफ करेगी। तो बहुत सारी जनता यहाँ, क्या नाम है भैया आपका? मनोज कुमार तिवारी। मनोज कुमार तिवारी कहाँ रहते हैं? कादीपुर से। कादीपुर से आए हुए हैं। कितना कर्जा है? लगभग 12 लाख। 12 लाख रुपए। क्यों फंस गए कर्जे में, कैसे हो गया बताएं? लॉकडाउन में मेरी दुकान, फॉर्चून की दुकान थी, गल्ले की दुकान थी सर, लॉकडाउन की वजह से टूट गई चुकी है। लॉकडाउन की वजह से कर्जे में फंस गए? पिताजी है नहीं सर, अपने ऊपर सारा कर्जा ले लिया। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या बैंक वाले परेशान करते हैं आपको, रिकवरी वाले परेशान करते हैं कि बैंक वाले परेशान करते हैं? बैंक वाले भी सर परेशान करते हैं, और एक फोर व्हीलर गाड़ी है उसको बेच के चले गए। अरे देखिए, रोइए नहीं, परेशान मत होइए, शाहनवाज चौधरी भारती जी की टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है, पूरे देश में लगी हुई है, क्योंकि प्रतापगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल घबराइए नहीं, जो गाड़ी खींच के ले गए उन्होंने गलत किया है, पटना हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया हुआ है। मैं सर के पेज से दोबारा बता देना चाहता हूँ सभी को, आप भी सुन लीजिए, पटना हाई कोर्ट ने निर्णय दिया हुआ है, अगर आपकी कार या आपका व्हीकल आपके उसका साधन है, जीविका का साधन है, तो उसको कोई खींच नहीं सकता, रोड से कोई भी गाड़ी खींच नहीं सकता है। आप लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए आप लोगों को दबंगई के कारण लोग गाड़ी खींच लेते हैं। आप लोग संगठित रहिए, ये ग्रुप बनाया जाएगा, सब लोग यहाँ संगठित रहिए, ठीक है?
परेशान मत होइए, रोइए नहीं, आपका कर्जा माफ करवाया जाएगा। आप चाहते हैं आवेदन, आप निवेदन कर दीजिए मोदी जी से भी कि भाई सुन रहे हैं, मोदी जी भी सुन रहे हैं, उनके अधिकारी सुन रहे हैं। सर भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, उसमें बहुत हेल्प किए थे भाजपा के कार्यकर्ता, आप चुनाव में बहुत हेल्प करते हैं। बहुत हेल्प करते हैं सर। अच्छा, कोई पद मिला था भाजपा में आपको? हाँ सर मिला था। क्या पद मिला था? सोशल कोऑर्डिनेटर का मिला था सर, वही कादीपुर में। जी सर, ये देखिए भाजपा के कोऑर्डिनेटर थे तिवारी जी, सोशल कोऑर्डिनेटर, वहाँ के विधायक कोई बात सुनते हैं ना, कोई कुछ सुनते हैं सर। कितनी गलत बात है, कम से कम हम कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को पहले माफ कर दो, भाजपा की सरकार है तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को पहले माफ कर देना चाहिए, भाजपा कार्यकर्ताओं को पहले माफ कर दो सर, कहीं भी जाइए, बाकी लोगों को बाद में कर देना। कितनी दुखद बात है कि तिवारी जी आके यहाँ रो रहे हैं और मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम इनकी बात सुनी जाए। 11-12 लाख रुपए कुछ नहीं होता है सर, घर पे आके कहते हैं कि सब पूरे परिवार को आप फांसी लगा लो, जहर खा के मर जाओ, ऐसा कह रहे हैं कि जहर खा के मर जाओ। जी सर, बैंक वाले रिकवरी वाले आके। जी सर, तो बहुत दुखद बात है कि अभी भी सर हम फोन से सुना सकते हैं मेरे घर पे कितना हालत खराब है, मेरी पत्नी खुद रो रो कर कि उसका बुरा हाल है, मतलब हम गए कहाँ। आपके पास वीडियो है, ऐसा वीडियो ऑडियो है कुछ? वीडियो नहीं बनाए सर, हम व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, आप बात कर लीजिए घर पे अभी। ठीक, बिल्कुल 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 बात करेंगे, सांत्वना दी जाएगी, चिंतित ना हो, परेशान ना हो। आप सबके लिए वादा कर रहे हैं शानवा चौधरी भारती जी की टीम की तरफ से, मैं स्वयं वादा कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति की कर्जा माफ कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आप लोग साथ रहे, जो बोला जाए वो करें, ठीक है, जहाँ बुलाया जाए वहाँ जाएं, कल को जहाँ बुलाया जाएगा एक मैसेज डाल दिया जाएगा सर के द्वारा फेसबुक पे कि यहाँ पहुँचिए। सब लोग सर को फॉलो करते हैं फेसबुक पे? दिल्ली तक हम गए, 8 अगस्त को मैं दिल्ली भी गया था, वहाँ देखे थे जाके कितना लोग परेशान है कर्जे में। जी सर, कितने लोग आए थे दिल्ली में? अरे लगभग बहुत लोग थे सर, 2.5 लाख ऊपर जनता थी, 2.5-3 लाख लोग, ये बता रहे हैं तिवारी जी की वहाँ पे गए हुए थे, हम लोग पास तक पहुँच ही नहीं पाए थे, एकदम पीछे खड़े थे, आगे नहीं पहुँच पाए। जी सर, तो ये इतनी ज्यादा समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है कर्जे की, जनता रो रही है, तो क्या सरकार ये देख नहीं रही है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये वही कार्यकर्ता है जो भाजपा के कार्यकर्ता है, मोदी जी का सपोर्ट कर, जिन्होंने मोदी जी को चुनाव जिताया और लेकर आया सर। एक बार राजेश गौतम विधायक पास हम गए भी थी, मम्मी को लेवा गए थे, तो बोले कि जो है चलिए हम किसी कार्यकर्ता को भेज करके आपका समस्या हल करवाएंगे, लेकिन तब से कोई आया भी नहीं, फोन भी नहीं उठाते हैं, मौके पर कोई हल कर। जनप्रतिनिधि अगर ऐसा काम करेंगे, बताइए जनप्रतिनिधि अगर ऐसा काम करेंगे, ये तिवारी जी आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं आप? सर कादीपुर से आए, कादीपुर से आए हुए हैं और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो कम से कम भाजपा के कार्यकर्ताओं की तो बात सुन ली जाए। अगर वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद, मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, कम से कम इनकी तो मदद करिए, जाइए बैंक में समझा दीजिए, रिकवरी वाला कोई इनको परेशान न करे, जब पैसा होगा तो ये चुका देंगे। 2 साल का समय मांगा जा रहा है, क्या कर रहे हैं, तो 2 साल का समय दे दीजिए, कोई इनको कूलिंग पीरियड दे दीजिए 2 साल का, कोई इंटरेस्ट न लगे, कुछ न लगे इनका, 2 साल का कूलिंग पीरियड दे दीजिए, 2 साल का समय दे दीजिए, 2 साल बाद इनका व्यापार ठीक हो जाएगा, कर्जा चुका देंगे। या तो आप लोगों का कर्जा माफ कर रहे हैं, क्या समस्या है, लोगों का कर्जा माफ कर दीजिए। यहाँ के बैठ जाता है, कहीं बैठ जाता है, रास्ते में अभी 6 लोग आए थे, रास्ते में से हमको उठा के लेके चले गए थे रात में, फिर फोन पुलिस वाले के पास किया गया, मम्मी दिवा करके सब। रास्ते में आपको 6 लोग उठा के लेके चले गए थे सर, किडनैपिंग हुई थी, अपहरण का केस था, तो आपने पुलिस में शिकायत किया? हाँ सर, 108 पे शिकायत भी किए थे, 112 पे सर। फिर क्या हुआ? 108 वाले आए थे, हमको उठा के बेहोशी की हालत में लेके आए थे सर। अच्छा, तो आपके साथ कुछ मारपीट की घटना भी हुई है? नहीं, मारपीट की घटना नहीं, उठा के लेके बेहोशी की हालत में पड़े थे, फिर मम्मी जो है 112 फोन की, फिर वहाँ से जो है 108 एम्बुलेंस आई, एक लोग मतलब थे वहाँ पे हेल्प किए थे, वो इलाज करके फिर अस्पताल तक छोड़े, वो भी अभी हमारे पास वीडियो बना करके रखा गया है सर, फिर 4-5 घंटा हम बेहोशी हालत में थे हॉस्पिटल में सर। इस तरीके से जनता को परेशान किया जा रहा है कि जनता को उठाकर रोड से उठाकर ले जा रहे हैं रिकवरी वाले, अभी भी सर 11-12 लाख रुपए सर। हमारे घर के लोग आए थे आज सुबह, आए थे, बहुत प्रताड़ना कर रहे थे, अभी मेरी बीवी वहाँ रोड उतर के बुरा हाल नहीं, तो नंबर दे रहे हैं सर, आप खुद बात कर लीजिए। मैं स्वयं बात करूंगा, आप चिंता ना करें, मैं बात करूंगा, रिकवरी वालों से भी बात करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बात करेंगे रिकवरी वालों से, मानवता के नाते, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने संसद में कहा है कि मानवता, बैंक मानवता दिखाए, क्या ये मानवता दिखाई जा रही है कि लोग परेशान हैं और लोग रो रहे हैं, और क्या क्या लोगों को दिख नहीं रहा है? मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, इतने लोग लाइव हैं अभी, इतने सारे लोग लाइव देख रहे हैं, आपको क्या लगता है जनता, या आप जिस प्रकार रो रहे हैं उस प्रकार सारी जनता रो रही है, परेशान है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को कर्जा माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या समस्या है? 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए के लिए लोगों को घर से उठाया जा रहा है, उनकी पत्नियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, घर में उनके माँ बाप भाई बहन को परेशान किया जा रहा है, तो ये इतना गंभीर तो समस्या है जनता की, तो जनता तो सरकार को क्या दिख नहीं रहा है? बार बार मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सबको कि जो है सब लोग संगठित हो जाइए, आप सभी लोग कर्जा वाले हैं, आपका धर्म क्या है आप लोग बताएंगे, आपका कौन सा धर्म है सब लोग बोले कर्जा, जाति कौन सी है कर्जा, चाहिए क्या हमें कर्जा माफी,
कौन सा धर्म है आप लोगों का? जाति कौन सी है? धर्म कौन सा है? जाति कौन सी है? क्या चाहिए? क्या चाहिए? सरकार सुन ले इन सारी जनता को, जितनी जनता यहाँ पर आई हुई है, यहाँ पर आई हुई है, इधर आई हुई है, चारों तरफ सरकार, जितनी जनता यहाँ पे पब्लिक आई हुई है, सबको कर्जा माफी चाहिए और सबकी कर्जा माफी करनी ही पड़ेगी। पुनः गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर बड़े लोगों का कर्जा माफ हो सकता है तो गरीबों का, छोटे मंझेले व्यापारियों का, गरीबों का भी कर्जा माफ किया जाए। ये जनता बहुत परेशान है, इसको और परेशान ना किया जाए। और मैं रिकवरी वालों से भी गुजारिश कर रहा हूँ, अभी गुजारिश कर रहा हूँ, जी हाँ, सर के पेज से लाइव आके मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जो है जनता को और परेशान मत करें, जनता बहुत परेशान है। और जब परेशान जनता वापस, परेशानी उसकी एकदम पीक पे आ जाएगी तो समझ लीजिएगा फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अभी हम सबको बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोग शांति का सहयोग बनाए रखें, आप सभी लोग अपना आए और सर्टिफिकेट लेकर जाएं, सर्टिफिकेट की कलर कॉपी आप अपने बैंक में लगाएं, आप अपने साहूकार को दें, अगर कोई परेशान कर रहा है तो इसकी कलर कॉपी आप जाके पुलिस थाने में दिखाएं और वहां अपनी एप्लीकेशन भी दें कि देखिए सर्टिफिकेट होने के बावजूद आपको ये रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं। जिनको रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं उनको शिकायत जरूर करें, 112 नंबर पर शिकायत करें। किसी को भी अधिकार नहीं है लोकतांत्रिक तरीके से बदतमीजी करने का, गाली गलौज करने का या घर में परेशान करने का, ठीक है? आरबीआई की गाइडलाइन का पालन सबको करना पड़ेगा। मैं पुनः आपके सामने जल्दी लाइव आऊंगा और आप सभी बने रहें।